मेरे YouTube चैनल में आज हमने पिछले वीक लास्ट डे पे जो 64,000 का झटका खाया था उसके बाद आज हमने छोटा सा प्रॉफिट लिया 4,000 रुपये का। डायरेक्शन हमारी सही थी, अगर मैं इस ट्रेड में बैठता तो आरा करीब करीब पूरा लॉस रिकवर हो जाता, बट बैठा बैठने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि कल लास्ट वीक एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था। लॉस करना ऑब्जेक्टिव नहीं है और मैंने आपको बताया था मेरी गलती, जो लॉस क्यों हुआ था मुझे पिछले वीक 64,000 रुपीज़ का इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने 3 बजे के बाद ट्रेड लिया था। आज मैंने 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं लिया, अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने बहुत ही छोटे छोटे ट्रेड्स लिए। देख सकते हो आप, पोजीशंस जो थी वो हाई क्वांटिटी में बनाई थी बट पॉइंट्स बहुत कम कैप्चर करे क्योंकि रिस्क नहीं लेना था, तो ये एक तरह से रिस्क फ्री रिटर्न ही लेके आए हैं। अरा करीब करीब 1.5-2% की रिटर्न है। तो SBI के शेयर्स, बेसिकली SBI कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस भी करें आज थोड़े से। मिड कैप निफ्टी में एक पोजीशन ली और फिन निफ्टी में एक पोजीशन ली, तो एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया है। अब बात करते हैं कि कल तो छुट्टी है, कल तो मार्केट बंद है, तो परसों क्या करना है, परसों क्या होगा। वेडनेसडे यानी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कि हम एनालाइज़ करते हैं तो एनालाइज़ करने के लिए हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। सबसे पहले हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का। यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक निफ्टी, भाई क्या हो गया, लिखा क्यों नहीं जा रहा बैंक निफ्टी। वेट, पहले हम होम पे आते हैं, होम पे आके हम देखते हैं लाइव ऑप्शन चार्ट। यहाँ पे हम चेंज करते हैं बैंक निफ्टी को, तो ये हम यहाँ चेंज करते हैं बैंक निफ्टी को, तो ये बैंक निफ्टी चेंज होकर के आ गया है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो बंद हुआ है 45,979 पे बंद हुआ है जा कर के, और आप देख सकते हो एक्सपायरी 20 सितंबर की रेंज है। अगर हम इसकी 5 रेंज देखें तो रेंज है 45,500 से 46,500, क्लोजिंग हुई है 45,900, मतलब अगर करीब करीब 46,000 के आसपास है। तो मार्केट 1,000 पॉइंट की रेंज के अंदर ही रहेगा ये इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पे टॉप 5 पोजीशंस बनी हुई हैं और पोजीशंस कॉल राइटिंग की ज़्यादा हैं, पुट की कम है। तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से ब्राइट नहीं लग रहे हैं, मार्केट नीचे जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा ब्राइट हैं इस रेशो के हिसाब से। लास्ट में जब क्लोजिंग हुई है तो आप देख सकते हो करीब करीब 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के अनवाइंड किए गए और 15 लाख पुट के अनवाइंड किए गए, मतलब मार्केट नीचे गिरने का संकेत ज़्यादा है इसलिए पुट की ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई है। ऐसे ही आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखाएगा आपको, 12 लाख कॉल अनवाइंड करी गई और 32 लाख पुट अनवाइंड करी गई, मतलब लास्ट में जाते आते लोग कोई रिस्क लेके नहीं जाना चाहते थे, खासकर पुट वाले, तो पुट वालों ने ज़्यादा अनवाइंडिंग करी है अपनी। PCR भी 0.72 है, मतलब मार्केट के नीचे जाने के संकेत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अब। 46,000 पे मैक्सिमम पेन बैठा हुआ है, तो अगर इस मैक्सिमम पेन के 200 मैक्सिमम पेन को आपको हमेशा ट्रैक करना है। अगर मार्केट 200-300 पॉइंट के गैप दूरी पे है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर मैक्सिमम पेन 46,000 है, मार्केट आपको दिख रही है 45,700 पे या 46,300 पे और स्टिल मैक्सिमम पेन 46,000 है, तो मैक्सिमम पेन के पास मार्केट एक बार ज़रूर आता है, तो वो आप एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी की तरह उसको कैप्चर कर सकते हो। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स की बात करें, ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो 14,96,000 ओपन पोजीशंस हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जाते जाते सबने अपने फ्यूचर्स की पोजीशन भी काटी हैं, मतलब माइनस करके गए हैं लोग फ्यूचर की पोजीशंस को, बेच करके राइटिंग करके नहीं गए हैं, मतलब इससे लगता है थोड़ा सा कि मार्केट ऊपर जा सकता है भैया, अगर नीचे आना होता तो फिर बेच के गुजारते, क्लोज करके गुजारते, बट कोई रिस्क लेने जाता मे भी इसलिए क्लोज करके गए हैं। तो यही कहानी है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को हम ट्रैक करेंगे, ब्रॉडर रेंज 45,500 से 46,500 की है, ये मैं आपको सबको बता चुका हूँ। छोटी रेंज अगर हम देखें इसकी, अब हम ऐसा करते हैं इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट एनालाइज कर लेते हैं जाके। ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें, यहाँ पे हम डालते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी वीकली, तो वीकली का बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो ये 20 सितंबर की एक्सपायरी का डेटा है। अगर आप इस डेटा को देखो तो जम के राइटिंग जो है कॉल की हुई है आगे आपकी 46,000 के बाद जम के कॉल राइटिंग हुई है और 46,000 से पहले पुट राइटिंग जम की हुई है।
आप देख सकते हो। और ये देखो आप यहाँ पे कितनी तगड़ी गेम चल रही है मार्केट के अंदर। लास्ट 5 मिनट्स में क्या हुआ, लास्ट लास्ट 30 मिनट्स में देखो क्या हुआ। लास्ट 30 मिनट्स में पुट ओआई चेंज इस -2475 और कॉल राइटिंग जम की हुई है लास्ट 35-30 मिनट्स में। तो अगर कॉल राइटिंग जम की हुई है तो कल गैप डाउन खुलने के ऑप्शन चांसेस भी ज़्यादा लगते हैं। तो ये टेक्निकल ज़रूर देखा करिए। थैंक यू।